पढ़ लिया था, फॉन्ट फेस लगा के देखना पढ़ लिया था हमने, इंटरनेट से फॉन्ट डाउनलोड करके कैसे उसको अटैच करते हैं वो भी हमने देख लिया था। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला डिस्कस करने के लिए चीज़ है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि फॉन्ट के हो सकते हैं। अच्छा, हमने जो कल डाउनलोड किया था इंटरनेट से फॉन्ट, उसकी टाइप क्या थी, उसका एक्सटेंशन क्या था, किसी को याद है? लास्ट में डॉट TTF था, ठीक है। अच्छा, TTF यानी ट्रू टाइप उसको कहते हैं, इन शॉर्ट TTF उसको बोला जाता है। अच्छा, उसके अलावा ना ये कुछ डिफरेंट और भी फॉर्मेट्स हैं, EOT, WOFF और SVG, ठीक है। अच्छा, TTF जो है वो सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट हासिल है सब जगह। अच्छा, स्टिल ये वाला जो चार्ट है ये आउट ऑफ डेट है, क्योंकि ये बुक 2009 में लिखी गई थी, उसके बाद ब्राउज़र बहुत एडवांस हो गए। तो जो आपको गूगल या दूसरे जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फॉर्मेट देते हैं वो होपफुली तमाम ब्राउज़र्स में चलेंगे, लेकिन इस चार्ट को देख के आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि जब भी आप कोई फॉन्ट ऐसा फॉर्मेट अटैच करने लगें तो आप उसकी सपोर्ट को देख लें, ठीक है। अच्छा, स्टिल आपको अगर सपोर्ट की चार्ट देखनी है तो वो MDN की एक वेबसाइट मौजूद है जो इस तरह की चीज़ों को जो है ना TTF फॉर्मेट ब्राउज़र सपोर्ट, सही है, MDN। तो यहाँ पे होपफुली एक मुझे चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे होपफुली इन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ होगा, नहीं बनाया हुआ। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मिल गया हमें, जो WOFF है ना वो भी अब सब में सपोर्टेड है, देख रहे हो, सब पे ग्रीन लगा हुआ है, और यहाँ पे TTF भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। SVG फॉन्ट जो वो इस वक्त भी सिर्फ दो ब्राउजर है जिसमें सपोर्टेड है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है, SVG फॉन्ट जो है। अच्छा, ओपन टाइप, ओपन टाइप यहाँ पे ट्रू टाइप का कहीं जिक्र नहीं है, हालांकि होना चाहिए, ठीक है। वेल, हम ये एज्यूम करेंगे कि ट्रू टाइप उस वक्त सबसे ज़्यादा उसको क्या कहते हैं सपोर्ट हासिल थी, तो अभी भी होगी होपफुली, ठीक है। तो इसको आप अलग से सर्च कर सकते हैं कि कौन से वाले फॉर्मेट, अगर कोई ऐसा फॉर्मेट आप लगा रहे हैं तो उसकी सपोर्ट क्या सब में है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। अच्छा, और आगे चलते हैं हम। अच्छा, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हम पहले HTML से लगाते थे बोल्ड, लेकिन अब हमारे पास क्या मौजूद है, अब हमारे पास CSS मौजूद है। आप ऐसे फॉन्ट वेट करके प्रॉपर्टी लिखेंगे, सामने उसकी वैल्यू में आपके पास नॉर्मल, बोल्ड और अच्छा यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल और बोल्ड इन्होंने बताया, ये हम नंबर में भी दे सकते हैं, ठीक है। जो हमें गूगल फॉन्ट से उठाया था ना हमने, 100 से लेके 800 तक, तो हम उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल, बोल्ड और ब्लैक भी होता है इसका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी। अगर मैं फॉन्ट वेट जाके MDN पे लिखूँ तो असल में ये बुक जो है वो मिनिमल रखी है इन्होंने, तो ये फॉन्ट वेट मैं MDN पे आ गया, तो आप देखें ये सारी इसके अंदर ना वैल्यूज़ अवेलेबल है, नॉर्मल, बोल्ड, लाइटर, बोल्डर और न्यूमेरिक वैल्यू में भी इसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ये इन्होंने सारी एग्जाम्पल देकर बताई है कि आप क्या क्या उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, नॉर्मल, बोल्ड, लाइटर, बोल्डर और न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। 100 का मतलब है कि थिन, 200 का मतलब है एक्स्ट्रा लाइट, 300 का मतलब है लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमाई बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक, सही है। तो ये वो तमाम जो है वो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं फॉन्ट वेट के अगेंस्ट। अब इसमें कोई मेरा ख्याल है चला के देखने की तो ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इटैलिक हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, और वैल्यू में उसको हम इटैलिक देते हैं। इटैलिक के अलावा ऑब्लिक भी दे सकते हैं हम या नॉर्मल भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई फॉन्ट ऐसा है जिस पर मैंने पहले से इटैलिक किया हुआ है,
तो उसको मैं वापस नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल भी दे सकता हूँ उसको, ठीक है, बहुत आसान सा है, किसी भी डिव के अंदर। अच्छा एक चीज़ याद रखें, ये अगर आपने सादा डिव पे लगा दिया ना जिसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो चूँकि CSS में कोई एरर नहीं आता तो एरर नहीं होगा, लेकिन अगर उस डिव में कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस डिव में कोई टेक्स्ट आएगा इन फ्यूचर तो वो उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट पे लगने वाली चीज़ है, तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिव पे लगा नहीं सकते, ठीक है, डिव पे आप इसको लगा सकते हैं और ये लग भी जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर उस डिव में कोई टेक्स्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आइडियली इसको आप लगाएंगे पैराग्राफ्स पे या किसी ऐसे स्पैन में जिसके अंदर टेक्स्ट मौजूद हो। अच्छा कौन मुझे ये बात बताएगा कि अगर मैंने एक डिव पे इटैलिक लगा दिया, उस डिव के अंदर डायरेक्ट कोई टेक्स्ट तो नहीं था, लेकिन उस डिव के अंदर एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में टेक्स्ट था, तो क्या वो पैराग्राफ इटैलिक हो जाएगा? इसका ताल्लुक इनहेरिटेंस से है कि अगर तो इटैलिक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी तो हो जाएगा। अच्छा क्या इटैलिक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, हम जाएंगे फॉन्ट स्टाइल और ऐसे हम जाके MDN पे ये बात लिखेंगे, फॉन्ट स्टाइल MDN, तो ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये जो स्पेसिफिकेशन है हमारे पास, क्यों नहीं लिखा हुआ रहा है यहाँ पर, ये रहा इनहेरिटेड, यस। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं किसी डिव पे लगाता हूँ इटैलिक, तो उसके अंदर मौजूद जितने भी पैराग्राफ हैं और उसके अंदर मौजूद डिव के अंदर पैराग्राफ होंगे तो वो, या मिसाल के तौर पर अगर मैं बॉडी पे इटैलिक लगाता हूँ तो पूरा का पूरे वेबसाइट में जितना भी टेक्स्ट है वो सब इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के साथ आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे पेरेंट पे लगाया तो वो सब पे ही लग जाता है, चाइल्ड पे। अच्छा जी, तो हमने ये फॉन्ट स्टाइल देख लिया। अच्छा अपर केस और लोअर केस भी आप कर सकते हैं CSS के ज़रिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो यूज़र है वो ईमेल में अगर कोई कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लेता है इनपुट देते वक्त, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो असूलन हम उसको डेटाबेस में भेजते वक्त उसको हम स्मॉल करके भेजते हैं, हम कैपिटल में कभी भी ईमेल से नहीं करते, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पे आपको उसी वक्त डिस्प्ले करवाना है अगर, तो आप CSS के ज़रिए उसको स्मॉल या कैपिटल करके भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पे किसी API से कोई डेटा आप मंगवा रहे हैं तो उन्होंने स्मॉल कैपिटल का अगर ख्याल नहीं रखा तो आप चाहते हैं कि तमाम टेक्स्ट को मैं स्मॉल कर दूँ या कैपिटल कर दूँ तो वो, और उसको फिर डिस्प्ले कराऊँ, तो आप वो CSS के ज़रिए करवा सकते हैं। अच्छा तो आप जाके पैराग्राफ के ऊपर, जैसे इन्होंने H1 पे लगाया हुआ है, H1 पे या किसी भी पैराग्राफ पे आप कहेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और आप अपर केस या लोअर केस लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपर केस लगाने से तमाम कैरेक्टर उसके अपर केस हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा पैराग्राफ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ जाएगा, लोअर केस से पूरा का पूरा पैराग्राफ लोअर केस में लिखा हुआ जाएगा यानी स्मॉल लेटर में। कैपिटलाइज का मतलब क्या है वो यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है कि दिस कॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड अपियर इन कैपिटलाइज। तो इन्होंने बाय द वे कैपिटलाइज कहाँ पर लगाया है, कैपिटलाइज ना मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने इस लास्ट लाइन में लगाया हुआ है, देख रहे हो, नेपोलियन थॉमस, और नहीं इसमें भी नहीं लगाया क्योंकि एंड कैपिटल नहीं हुआ, इसने कैपिटलाइज इसमें लगाया है। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा ना सिर्फ वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा भी आप लॉन्ग पैसेजेस में नहीं कर सकते, अगर आपने पैराग्राफ में ये काम किया ना तो उससे रीडेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, टेक्स्ट आंखों में चुभने लगता है। अगर इमेजिन करें एक लॉन्ग पैसेज है और हर लेटर का पहला वर्ड अगर कैपिटल होना शुरू हो जाए, ये करके देखिएगा, तो पैराग्राफ बिल्कुल रीडेबल नहीं रहता, कचरा हो जाता है। तो ये भी सब टाइटल्स वगैरह के लिए आई थिंक मुनासिब है। इन्होंने यहाँ पे शायद ये बात मेंशन भी की होगी किसके लिए, इफ़ यू यूटिलाइज द अपर केस ऑप्शन इट्स वर्थ लुकिंग एट द लेटर अपर लेटर स्पेसिंग दिस। नहीं यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। वेल इसको आप कभी भी लॉन्ग पैसेजेस पे नहीं लगाएंगे, ये जो कैपिटलाइज वाली चीज़ है। अच्छा जी, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी बहुत ईजी है, उसको भी चला के देखने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, आप लोग चला कर देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ठीक है। टोटल 3 इसकी प्रॉपर्टीज़, 3 इसकी वैल्यूज़ हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। अच्छा अंडरलाइन एंड स्ट्राइक, आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना है, ये भी हम HTML के थ्रू करते रहे टैग लगा के, लेकिन ये काम CSS के ज़रिए भी हो जाता है। अच्छा
इसको हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आप नन होता है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा अंडरलाइन लगा सकते हैं, ओवरलाइन, लाइन थ्रो और ब्लिंक, ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अंडरलाइन तो सब लोगों को पता है, ओवरलाइन कोई बता सकता है? जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसके ऊपर छत बनी हुई आ जाती है छत के तौर पे। ठीक है, और लाइन थ्रो का मतलब होता है कि उसके दरमियान से लाइन, जैसे कि किसी ने क्रॉस लगाया हुआ उसके ऊपर। और ब्लिंक पता है किसी को? इन्होंने लिखा हुआ ना यहाँ पे, किसी ने बुक नहीं पढ़ी है मतलब। दिस एनिमेट्स द टेक्स्ट टू मेक इट फ्लैश ऑन एंड ऑफ। ठीक है, वो ऐसे ऐसे ब्लिंक करने लग जाता है टेक्स्ट आपके। ब्लिंक का मतलब यही होता है। ठीक है, तो कर्सर लेके जाने से ताल्लुक नहीं है, बस वो टेक्स्ट आपका खुलबन शुरू हो जाएगा, जगमग तारा बन जाएगा। नहीं ओवर, ये बाय द वे इसने यहाँ पे ना कुछ बात लिखी भी है यहाँ पे, ये हम ना आमतौर पे नहीं लगाते, कह रहे हैं अनोइंग है, इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, कह रही है ब्लिंक का ना आप इस्तेमाल नहीं करें, कंसिडर्ड अनोइंग। तो ये ब्लिंक वगैरह ना ये पुराने ज़माने की चीज़ हो गई है, जब शुरू शुरू में आए थे ना ये HTML वगैरह, तो वो ऐसे भाई एड चल रहा है, न्यू ऑफ़र, अजीब सी वो एक चीज़ थी। अब लोग, आपने बहुत कम देखा होगा किसी वेबसाइट में कि वो इस तरह का ना एक ऐसे न्यू और कुछ खुलबन हो रहा है। ठीक है, तो चीज़ें रेदर अब चलती हैं थोड़ी स्मूथ और थोड़ी फ्लैट चलती हैं। तो अगर आप इस तरह से मतलब किसी चीज़ को एग्जैजरेट करेंगे ना अपनी वेबसाइट में, तो फिर यूज़र ना आपका खफा हो जाता है। अच्छा, एक इस चीज़ को समझने की बात है, ये देखो हर यूज़र ना अलग अलग तरह का होता है, हर यूज़र टू यूज़र ना ये चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ यूज़र के लिए ना ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ऐसे फ्लैश फ्लैश करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ आप चाइनीज़ वाइनीज़ वेबसाइट खोलें ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, और जो आपके जो ख़ासतौर पर बच्चों की जो वेबसाइट है चाइनीज़ में, उसमें तो भरा हुआ होता है ऐसे, इधर से जगमग तारा पूरा बना हुआ होता है। ठीक है, अभी मुझे कोई एग्जांपल नहीं याद आ रही, वरना मैं आपको खोल के दिखाता। और जो फॉरम्स वगैरह भी होते हैं ना, जो कुछ चाइनीज़ फॉरम होते हैं, जो उस पर भी यही होता है, वो उनके अजीब तरह के इमोजीज़ होते हैं, और वो मतलब बहुत इन चीज़ों का इस्तेमाल। तो असल में ये चीज़ यूज़र टू यूज़र वेरी करती है। अच्छा, एक यूज़र होता है हमारा अपर क्लास यूज़र, एक यूज़र होता है हमारा मिडिल क्लास यूज़र, और एक यूज़र हमारा होता है इंटरनेट फ्रीक। अलग अलग तरह के यूज़र होते हैं। अच्छा, इसको अगर हम दूसरी तरह से हम देखें, रियल लाइफ की हम एग्जांपल लेके देखें, रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में जो बंदा आता है, तो कुछ बंदों को ना, कुछ बंदे इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि भाई जो वेटर आ रहा है ना, उसने ग्लव्स पहने हुए हों, ड्रेस पहना हो, ला के ना वो नैपकिन दे, और नैपकिन वो इधर लगाएं उसको, ठीक है, फिर वो इधर उसको नीचे रख के ना, और जो कांटे चम्मच वम्मच है ना, वो बिल्कुल चमकते हुए हों, उसमें स्क्रैचेस ना हो, जो प्लेट वो ला कर दे वो शीशे की प्लेट हो, प्लास्टिक प्लास्टिक की ना हो, समझ रहे हो? तो कुछ लोग इस चीज़ को वैल्यू देते हैं। जो वेटर तमीज़ वाला हो, अच्छा इस चीज़ को तो मैं भी वैल्यू देता हूँ, वेटर तमीज़ वाला होना चाहिए, बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना मैं दोबारा नहीं जाता उसमें। नैपकिन भले ना दे, वो तो आपकी जेब में खुद होना चाहिए ना, रुमाल तो आपकी जेब में खुद होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट जेब में रुमाल रखना चाहिए आपको। तो अच्छा, इसी तरीके से तो ये जो यूज़र है ना, ये ज़्यादा पैसे भी देगा, लेकिन ये जाएगा अच्छी। अच्छा, फिर कुछ लोग खामोशी को बड़ा वैल्यू देते हैं कि यार साइलेंस होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अभी आप जाएंगे ना गफ्फार कबाब में, ओ भाई ऐसा मछली बाजार बना हुआ होता है, अंदर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है, शोर ही शोर है, अब बाहर तक शोर आ रहा होता है भाई उनका, उनका खुद का भी इतना शोर है, एग्जॉस्ट लगाए हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े, फिर बाहर डना डन बर्तन बज रहे हैं एक दूसरे से, एक अजीब माहौल है। ठीक है, तो बंदा ना उसमें वहाँ पे बैठने से ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बंदे का, सुकून नहीं आता बंदे में। ठीक है, ऑन अदर एंड जो कोई जैसे ये मलिक है जो चार मीनार पे, यहाँ पे आप जाएं, शीशे के अंदर बंद है, बाहर पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, पता नहीं डबल ग्लास लगाया क्या, ये बिल्कुल साइलेंट है। तो कुछ लोग खामोशी को वैल्यू देते हैं। अच्छा, तो अगर एक अपर क्लास बंदा ना, उसको अगर वेटर ने, वेटर का हाथ गंदा उसने देख लिया ना कि वेटर का हाथ गंदा है, तो बस वो खाना नहीं खाएगा, फिर वहाँ वो उड़ जाएगा वहाँ से, और वो दोबारा वहाँ आएगा भी नहीं वापस, समझ रहे हो बात?
तो ये यूज़र टू यूज़र वेरी करता है। अच्छा, फिर ऑन अदर एंड जो ट्रक अड्डे पे जो ढाबे बने हुए होते हैं आमतौर पे, या इंडस्ट्रियल एरिया में जो ढाबे बने होते हैं, सब जगह गया हूँ मैं, सब जगह का एक्सपीरियंस है भाई। दुनिया, जाहिर है दुनिया में बंदा हर जगह जाता है, तो वहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को वैल्यू नहीं दी जाती। वहाँ पे जो रोटी जिस चीज़ पे वो रख के लाते हैं, वो खजूर की वो बनी हुई होती है, क्या बोलते हैं, छब्बी, तो उस पर वो रख के ला के देते हैं, तो वो बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ होता है। वो इतने लोगों ने उसको रोटी खा ली होती है ना कि वो उस पर छप चुका होता है रोटी का कलर। तो अच्छा, इसी तरह वो जो सालन वगैरह बना रहे होते हैं, वो वहाँ पे ट्रक भी गुजर रहे हैं, मिट्टी भी आ रही है, वहीं पे वो सालन बना भी रहे हैं, और होता भी बड़ा मज़े का है जितना गलीज उतना लजीज होता भी बड़ा मज़े का है, तो हम खाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ग्रेवी भी अनलिमिटेड होती है, कि भाई एक बार आपने मंगवा लिया, मतलब लिटरली वहाँ पे मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ वहाँ पे, वो लिटरली 12-15 लोग बैठे होते हैं, और वो मंगाते हैं एक सालन, और वो मंगाते हैं 17 रोटियाँ, और वो जब ख़त्म होता है वो कहते हैं और ग्रेवी लाओ और ग्रेवी लाओ, और वो पूरी 17 रोटी ख़त्म करते हैं उसमें। मतलब ये वहाँ पे एक उनकी एक फैसिलिटी है, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। वो कहेंगे यार हम तो कहीं जाएंगे ना, तो हमें ग्रेवी चाहिए लाजमी। देख रहे हो, तो ये यूज़र टू यूज़र बहुत सारी चीज़ें वैरी करती हैं। अब इसको ये इसके लिए मैटर नहीं कर रहा कि मुझे नैपकिन दिया है इसने, या अब सामने ट्रक गुजर रहा है, या मिट्टी आ रही है, शोर हो रहा है, इसको चाहिए भाई खाना, और फिर सस्ता भी चाहिए, समझ रहे हो, सस्ता चाहिए और अनलिमिटेड चाहिए, तो वो इसको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये यूज़र टू यूज़र ना चीज़ें बहुत सारी वेरी करती हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो खाना है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है और वो क्या चाहिए उसको। मिसाल के तौर पे ना, अगर मैं ढाबे पे किसी को ले जाके नैपकिन देना शुरू कर दूँ ना, तो वो पहले तो उसको समझ नहीं आएगा कि इसका करना ही है, और फिर वो थोड़ी देर बाद वो लपेटेगा, जेब में डाल लेगा, कहेगा मैं घर लेके जाऊंगा इसको, यही करेगा ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ना मांग रहा है वो, सही है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उसको क्या चाहिए, आपने उसको वो चीज़ दे दी ना, वो खुश रहेगा। तो ये जो ब्लिंक वाली चीज़ है ना, स्टिल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि बिल्कुल वेबसाइट को जगमग तारा, क्या आपका यूज़र ये देखेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका यूज़र क्या चाहता है वेबसाइट में, ये आपको डिफरेंट सर्वेज बताएंगे, ठीक है। अच्छा, उससे भी आसान ये है कि आप जाके देख लें वेबसाइट। मिसाल के तौर पे जो शूज़ 2,000 से लेके 5,000 तक की रेंज के जो शूज़ हैं, उनकी वेबसाइट में उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, और जो शूज़ 20,000 से लेके 50,000 तक की रेंज में, उनकी वेबसाइट को भी देख लें, और फिर लाख से ऊपर वाले जो शूज़ हैं उनकी वेबसाइट को देख लें आप, तो आपको ना एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह फ़ोन की, जो मोबाइल फ़ोन की जो वेबसाइट है, आप 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार वाले फ़ोन की वेबसाइट आप देख लें जाके, ठीक है, फिर आप आईफोन की देख लें, ठीक है, 1-2 लाख, 3 लाख वाले की, तो हाँ, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उस पे आपने ऑब्ज़र्व क्या करना है, देखो ये ना ऑब्ज़र्वेशन की बहुत बात है। ये जो वेब डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे जो डिज़ाइन साइड है, जो वेब डेवलपमेंट की, इट टोटली बेस ऑन ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है। असूलन होना ये चाहिए कि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, और थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो आप घर जाके ना डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करें, उसको आप एक डिज़ाइनर की नज़र से, एक डेवलपर की नज़र से देखें कि इसमें इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्या ये कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, क्या इसको नहीं करना चाहिए था लेकिन इसने उसको, मतलब कुछ ना कुछ करके, जुगाड़ करके उसको किया है, जानबूझ के उसको मुश्किल से लेकिन किया उसको, तो क्या वो चीज़ें जो उसने की हैं वहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एप्पल की वेबसाइट पे आपको कहीं पे भी ये नज़र नहीं आएगा कि आप कर्सर लेके गए ऊपर मेन्यू पे, और मेन्यू के नीचे ऐसे शटर की तरह से मेन्यू खुला, जो बूटस्ट्रैप में आमतौर पे होता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन टाइप की कोई चीज़ खुली, ऐसा आपको कभी भी नज़र वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। होता है ना बूटस्ट्रैप में एक मेन्यू होता है कि आप जो जो नेविगेशन बार होता है टॉप का, उसमें 3 बटन नज़र आ रहे होते हैं, और चौथा वाला ना वो मेन्यू का एक 3 डॉट होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो बाकी का मेन्यू एक शटर की तरह खुलता है, उसका में उसको मेन्यू ही कहते हैं। वो आपको आईफोन के, एप्पल के किसी भी वेबसाइट पे आपको नज़र नहीं आएगा वो, ठीक है, रख सकते थे वो। हालांकि उन्होंने, अगर मैं आपको ये एप्पल की वेबसाइट दिखाऊँ ना, नेविगेशन बार बहुत बड़ा है इनका, इनका नेविगेशन बार ना इस कोने से लेके उस कोने तक है, ये देख रहे हो, इसको ये शॉर्ट कर सकते थे ना, इन्होंने नहीं किया।
हाँ इसी में ही दे दिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि मैं किसी पे मतलब सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो नीचे सपोर्ट के चार मजीद ऑप्शन खुलेंगे, ऐसा नहीं है। सपोर्ट पे क्लिक करूँगा पूरा अलग पेज है उसका, सही है। अच्छा अंदर देखो फिर अलग से नेविगेशन बार है, ठीक है। स्टोर पे क्लिक करूँगा स्टोर है डायरेक्ट, अगर मैं आईफोन पे क्लिक करूँगा डायरेक्ट आईफोन है। इसमें यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। ऑन अदर एंड जो बूट स्ट्रैप नेव बार लिखूंगा ना उसके अंदर ये, और बहुत सारी वेबसाइट पे आपने ये देखा होगा, ये देख रहे हो दो आइटम इधर है और तीसरे पे ड्रॉप डाउन बना के बाकी चार मेन्यू अंदर दे सकते हैं। चार क्या वो अंदर 20 भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो जितना लंबा होता जाए वो मतलब पूरी स्क्रीन तक भी आ जाए तो खैर है उसकी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है। तो ये जो ब्लिंक वाला है ना, हो सकता है कुछ यूज़र बुरा मान जाए कि यार ये क्या बकवास है, मैं इधर नहीं आऊँगा अब दोबारा। हो सकता है कुछ यूज़र उसको समझे कि यार ये तो फैसिलिटी है मेरे लिए, सही है। अच्छा वापस आ जाते हैं हम इस पर। अच्छा लीडिंग, लीडिंग जो है ना ये टर्मिनोलॉजी है, टाइपोग्राफर्स की टर्मिनोलॉजी है ऑब्वियसली, लेकिन सीएसएस में इसको हम क्या कहते हैं, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट ना यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या है। एक तो फॉन्ट का साइज है ना, फॉन्ट के साइज के ऊपर एक फासला होगा थोड़ा सा। अच्छा ये जो फासला है अगर ये नहीं होगा तो आपस में ऊपर और नीचे का टेक्स्ट चमक जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये लाइन हाइट बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी होती है, बाय डिफॉल्ट। जैसे फॉन्ट का साइज क्या होता है 16 पिक्सल, तो लाइन हाइट भी कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट होती है। अच्छा इसको आपने अगर बढ़ाना है या आपने कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करके बोलेंगे लाइन हाइट 1.4 em। 1.4 em का मतलब क्या है कि जितना होता है उससे 140 हो जाए, ठीक है। 100 की जगह 140% हो जाए। अच्छा इसने यहाँ पे देखें पैराग्राफ के ऊपर ना लाइन हाइट बढ़ाई है इस वाले पैराग्राफ पे, ठीक है। अब आप देखें इस पैराग्राफ पे ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों में जो पैराग्राफ में ना थोड़ा एक में कम और एक में ज़्यादा फासला है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जहाँ पे इसने वो किया था ना कंट्रास्ट का जो चैप्टर था, वहाँ पे इसने बोला था कि भाई हाई कंट्रास्ट जो है वो लॉन्ग पैसेजेस में काम नहीं करता, लेकिन लॉन्ग पैसेजेस में अगर आपने रखना ही है हाई कंट्रास्ट तो आप क्या करेंगे, लाइन हाइट बढ़ा देंगे और टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा वेट बढ़ा देंगे उसका, तो वो चल जाएगा फिर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक मज़मून लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग बिल्कुल सिंपल है, वर्ड के दो वर्ड आपस में कितने दूर दूर हों। मिसाल के तौर पे इस वाले टेक्स्ट में इन्होंने वर्ड स्पेसिंग को बढ़ाया हुआ है, ठीक है, और इस वाले में लेटर स्पेसिंग को बढ़ाया हुआ है, इस वाले में भी लेटर स्पेसिंग को बढ़ाया हुआ है। अब ये लगेगा कैसे, ये लगेगा ऐसे, सॉरी वर्ड स्पेसिंग 1 em, ठीक है। क्रेडिट में इन्होंने वर्ड स्पेसिंग को क्या कर दिया, 1 em कर दिया, ये वाला है जो बाई बाई ए एफ डकेट, ठीक है। और जो H1 और H2 में इसने लेटर स्पेसिंग को बढ़ा दिया, सही है, 0.2 em कर दिया, सही है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा आप नोट कर रहे हैं, अब आगे जितना भी ये साइज बता रहा है ना फॉन्ट के हवाले से जितना भी कुछ कर रहा है वो सब ई एम में कर रहा है, नोट कर रहे हैं आप। तो ये ई एम आपको समझ आ चुका है क्या होता है, आपने भी क्या करना है फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी काम करना है आप, क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे जो लेटर की स्पेसिंग है अगर ये दे देता ना पिक्सल में, तो कल को फॉन्ट का साइज अगर मैं बड़ा करूँगा तो स्पेसिंग अपनी जगह रहेगी, स्पेसिंग साथ साथ बड़ी नहीं होगी। अभी इसने दिया ई एम में, अब ई एम में देने से बेनिफिट क्या होगा कि H2 को अगर मैं कल को चेंज करता हूँ, ठीक है, H2 को तो चेंज नहीं करूँगा एक्चुअली, मैं बॉडी के टेक्स्ट को चेंज करूँगा, बॉडी के टेक्स्ट को चेंज करूँगा तो H2 ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा लेकिन स्पेसिंग अपनी जगह खड़ी रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिंग भी साथ साथ ग्रो करे इसलिए ई एम में इसको दिया हुआ है इन्होंने, ठीक हो गया जी। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अच्छा टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो ये है कि किसी भी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जो है वो किधर हो। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो अलाइन होता है वो लेफ्ट पे होता है, अंग्रेजी का जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये राइट पे भी हो सकता है, ये सेंटर पे भी हो सकता है। अच्छा टेक्स्ट अलाइन से ऐसा नहीं होगा कि आपका टेक्स्ट सेंटर में या राइट लेफ्ट हो जाए, ये टेक्स्ट अलाइन वो वाला टेक्स्ट अलाइन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है ना कि आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दो या राइट कर दो, ये वो वाला है।
अच्छा, मिसाल के तौर पे एक भरे हुए पैराग्राफ में, एक इस वाले पैराग्राफ में आप इसको अलाइन लेफ्ट करेंगे या अलाइन राइट करेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ उस वक्त काम करेगा ये टेक्स्ट लाइन जब आपका जो टेक्स्ट है बॉक्स बड़ा हो और टेक्स्ट छोटा हो, ठीक है, जब ही काम करेगा ये, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक केस हो सकता है जिस केस में ये काम करेगा, जैसे अगर इस टेक्स्ट की मैं मिसाल दूं, तो इस टेक्स्ट में देख रहे हो इवन साइड इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे ये इवन है, ठीक है, और राइट साइड पे ये अनइवन है, तो ये अनइवन चीज़ जो वो दूसरी तरफ चली जाएगी अगर इसको मैंने अलाइन राइट कर दिया तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट उठ के इसके ज़रिए ना कुछ लोग चीज़ों को सेंटर करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना आपने, ठीक है। इसके ज़रिए टेक्स्ट को आप सेंटर नहीं करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट को अगर आप सेंटर करते भी हैं ना, तो सिर्फ आप उस सूरत में कर सकते हैं जब कंटेनर बड़ा हो और टेक्स्ट कम हो। मिसाल के तौर पे ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ है पूरा, ये जो नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये पैराग्राफ, ये भरा हुआ टेक्स्ट है, इसको आप राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। इमेजिन करें इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ तीन वर्ड्स होते, जैसा कि इन्होंने ऊपर यहाँ पे करके भी बताया, ये एक पैराग्राफ है ना, इसमें तीन वर्ड्स हैं। पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसका मतलब है पूरी विड्थ ले लेता है, सही है। कैरेक्टर सिर्फ तीन है। अब जब इसको राइट किया ना अलाइन, तो राइट पे जाके चिपक गया ये, सही है। अगर ये लाइन पूरी होती तो ये ना लेफ्ट राइट होने की जगह ही नहीं होती इसके पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बॉक्स को अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपके पास कोई डिव है, आप क्या चाहते हैं इस डिव को मैं राइट ले जाऊं या लेफ्ट ले जाऊं, उसके लिए टेक्स्ट अलाइन इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। टेक्स्ट अलाइन सिर्फ टेक्स्ट के लिए, जो बॉक्सेस को राइट लेफ्ट करने के लिए अभी आगे चैप्टर में ना, जहाँ पे इन्होंने लेआउट का जिक्र किया है, बल्कि बॉक्सेस बल्कि अगला ही चैप्टर है उसमें, ये लेआउट में हम किसी ना किसी जगह पर ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बॉक्सेस को आगे पीछे करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक टॉपिक है पूरा फ्लैक्स बॉक्स, हम उसकी एक डेडिकेटेड क्लास रखेंगे, एक क्लास हमारी शुरू से आखिर तक हम फ्लैक्स बॉक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स एक जदीद अप्रोच है जो बुक में जिक्र नहीं है उसका, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, तो वो लेआउट बनाते वक्त आपको जरूर जाहिर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेआउट क्या चीज़ होती है कि भाई आप जैसे एक कमरे का लेआउट होता है ना, कि भाई यहाँ पे डेस्क वो बना हुआ है, प्रोजेक्टर बना हुआ है, सही है, उसके आगे छोटा सा एक स्टेज है, फिर एक डाइस बना हुआ है, सही है, सामने कुछ सीट्स हैं जो, और फिर पीछे की कुछ सीट्स अलग तरह की हैं, ठीक है, फिर पीछे विंडोज़ हैं कुछ, ठीक है, दो तरफ दरवाजा, तो ये लेआउट होता है कि भाई कमरा होगा कैसा। तो आपकी वेबसाइट का भी जाहिर है लेआउट होगा, आपकी वेबसाइट का लेआउट मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि ऊपर एक टॉप पे जो बार होगा उसमें लेफ्ट साइड पे आपका लोगो होगा और राइट साइड पे आपका मेन्यू होगा, और राइट मोस्ट के ऊपर शायद एक अवतार बना हुआ होगा कि जो बंदा इस वक्त लॉगिन है उसकी फ़ोटो आ रही होगी। अब मसला ये है कि वो तो चीज़ों को, अगर मैं एक बार बनाता हूँ उसमें मैं लाइन से अगर बॉक्सेस बनाऊंगा तो वो तो सीधे सीधे चलेंगे। अब एक लोगो जो है वो लेफ्ट पे है और बाकी का सारा सामान राइट पे, ये कैसे जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसके लिए आपने टेक्स्ट अलाइन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिए फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल होगा, वो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। अच्छा, इसमें भी लेआउट का तरीका बताया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना है, बुक में भी ना लेआउट डिस्कस किया हुआ है इन्होंने, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना है। नहीं, काम करेगा बिल्कुल, ये वाला भी करेगा। कौन सा काम नहीं करेगा सर? हाँ नहीं, टेक्स्ट अलाइन काम नहीं करेगा। नहीं, कुछ कुछ लोग जुगाड़ में ना, वो स्टैक ओवर फ्लो पे और इंटरनेट पे ना लोगों ने बताया होता है कि यार ऐसे कर लो, हो भी जाता है वो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा भाई टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट और सेंटर और जस्टिफाई, जस्टिफाई पता है सब लोगों को क्या होता है? जस्टिफाई से वो ऐसे उसको अलाइन करता है ना कि ये जैसे ये टेक्स्ट है इसमें एक तरफ अनइवन है दूसरी तरफ इवन है, तो जस्टिफाई क्या करता है वो ऐसा कर देता है, ये दोनों तरफ से सीधा हो जाता है ये। और ये असल में करता कैसे है? करता ऐसे है, ये वर्ड्स के दरमियान स्पेस दे देता है, वर्ड्स के दरमियान स्पेस दे के उसको लाइन के आखिर तक पहुंचा देता है, ये करता ही है ये। अच्छा, अब हमारे पास है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन भी टेक्स्ट के लिए है, सही है, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट के लिए है। अच्छा, वर्टिकल अलाइन की ज़रूरत आपको कब पड़ती है? वर्टिकल अलाइन की ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ती है जब आपका कंटेनर बड़ा हो, ठीक है। इमेजिन करें कि एक पैराग्राफ है या एक डिव है,
एक डिव के अंदर आपने डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है या एक पैराग्राफ के अंदर आपने डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट की जो हाइट है यानी फॉन्ट का जो साइज है हमारा वो 16 पिक्सल है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है, अब वो एक लाइन का पैराग्राफ है जिसकी हाइट 16 पिक्सल है, उस टेक्स्ट के दरमियान में एक इमेज आ गई, लेकिन उस इमेज की हाइट क्या है, 16 की जगह 32 पिक्सल है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने यही बना के बताया है, 16 की जगह 32 पिक्सल हो गई। तो अब वो लाइन को स्ट्रेच कर दिया उसने, तो अब वो जो टेक्स्ट है बाई डिफॉल्ट तो वो ऐसा हो जाता है बीच वाला जो है, ठीक है, टेक्स्ट नीचे चलता रहता है और वो इमेज ऐसे हाइट अपनी ऊपर बढ़ा लेती है, क्योंकि वो टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो होता है, सही है ना, टेक्स्ट जो है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो होता है। आपने देखा लाइन हाइट भी टॉप पे होती है, नीचे नहीं होती, लाइन हाइट भी टॉप पे होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो होता है। तो इस लाइन में एक इमेज आ गई जो 16 पिक्सल से ज़्यादा थी, तो वो लाइन को ग्रो कर दिया उसने। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार इस टेक्स्ट को जो ना मैं ऐसा बना दूँ टॉप वाला, ठीक है, या सेंटर पर कर दूँ, तो वो मैं वर्टिकल अलाइन से करूँगा, ठीक है। वर्टिकल अलाइन में देख लो ये सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, वो ऐसा होता है ना, लेबल थोड़ा ऊपर हो गया, ये थोड़ा नीचे हो गया, तो उसको आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलाइन करने के लिए आपको बॉक्स स्टिल इसके अंदर, अगर एक पैराग्राफ है उसमें सिर्फ टेक्स्ट है, उसमें आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसको ऊपर और नीचे होने की जगह ही नहीं है। जब ऊपर और नीचे होने की जगह होगी टेक्स्ट के पास, जब ये वर्टिकल अलाइन काम करेगा। अगर ऊपर नीचे होने की जगह नहीं है, बॉक्स टाइट है अपने कॉन्टेंट पर, तो ये काम मतलब लग तो जाएगा, लेकिन आपको कुछ चेंज नज़र नहीं आएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन और वर्टिकल अलाइन, इन दोनों में आप याद रखें, ये टेक्स्ट पे इस्तेमाल होता है, और इसको इसका असर नज़र आने के लिए कंटेनर बड़ा होना चाहिए और टेक्स्ट छोटा होना चाहिए। अगर कंटेनर टेक्स्ट के ऊपर टाइट है तो जाहिर है आगे पीछे होने की जगह ही नहीं है कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो वो आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा। नहीं, लगाना नहीं होगा, ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी आपको, कि आपके पास एक पैराग्राफ है, उसके दरमियान में कोई इमेज आ रही है, अब वो इमेज क्या हो रही है, लाइन से ऊपर भाग रही है ना, होता है ना, लाइन से ऊपर भाग रही होती है वो इमेज, तो आप चाहते हैं कि उस इमेज को मैं थोड़ा नीचे कर दूँ या टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर करके उसके साथ मिला लूँ, तो उस केस में आप ये इस्तेमाल कर, समझ रहे हो, अब हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, इंडेंटिंग टेक्स्ट, इंडेंटिंग टेक्स्ट क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ में ना आप क्या करते हैं, जो पहली लाइन होती है उसकी, उसको आप थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द रिटन टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट, द अमाउंट यू वॉन्ट द इंडेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज, यूजली इन गिवन इन पिक्सल और EMS। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पैराग्राफ है ये वाला, अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये शुरू में थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़े, पहली लाइन थोड़ा सा आगे करके शुरू होती है, बुक्स में आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है, तो उसके लिए मैं इस पैराग्राफ के ऊपर क्या लगा दूंगा, इंडेंट की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, और इंडेंट हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, लेकिन देंगे हम EMS के अंदर या EM के अंदर देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा कि ये क्रेडिट एक पैराग्राफ है, आपको पता है एक सिंगल लाइन का पैराग्राफ है, इसके अंदर सिर्फ तीन ही वर्ड लिखे हुए हैं, इस पर इन्होंने इंडेंट लगाया है तो थोड़ा सा ये आगे हो गया, सही है, यहाँ पे इन्होंने इंडेंट नहीं लगाया है, यहाँ पे लगाया हुआ इंडेंट। अच्छा, एक इंडेंट ना इन्होंने क्या किया हुआ है, ज़रा आप गौर से देखो, एक इंडेंट इन्होंने H1 पे भी लगाया हुआ है। अच्छा, H1 के ऊपर इन्होंने लगाया बैकग्राउंड इमेज URL, एक इमेज लगाया है इसने, जो इमेज आपको नज़र आ रही है, इमेज पे लगाया नो बैकग्राउंड नो रिपीट, सही है। अभी इमेजेस का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हमने, अभी आगे आएगा, ये सारी चीज़ें अभी आगे डिस्कस होंगी डिटेल में। और टेक्स्ट इंडेंट इसने किया है -9000, ये पता है इसने क्या जुगाड़ किया है, इसने जुगाड़ ये किया है कि H1 का जो टेक्स्ट था ना उसको स्क्रीन से ही बाहर करवा दिया, इतना ज़्यादा उसको इंडेंट दे दिया उसने कि वो स्क्रीन से ही बाहर हो गया, समझ रहे हो, और ज़ाहिर है H1 का एलिमेंट तो अपनी जगह है, उसका टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर हुआ है और उस एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज लगा दी है इसने,
जो कि आपको नजर आ रही है। ऐसा इसने क्यों किया है? नहीं, मतलब H1 ही क्यों लगाया? सीधा सीधा वो लगा देता, इमेज लगा देता, है ना, सीधा सीधा एक डिव लगाता और उस डिव को बैकग्राउंड इमेज दे देता, ये भी तो सही था। इसने ये H1 का ही एलिमेंट क्यों लगाया और H1 के बैकग्राउंड पे इमेज लगा के उसका टेक्स्ट इधर कर दिया? सर, जब फॉन्ट साइज को फ्लक्चुएट करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, फॉन्ट साइज का फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वैसे शायद इन्होंने सही बात की है कि टेक्स्ट चेंज होगा तो इसका भी साइज चेंज होगा, मगर साइज चेंज होना की वजह से इसने ये नहीं किया, साइज चेंज होने की वजह से नहीं किया। वो तो डिव में भी आप ईएम करके साइज दे दो उसका, तो वो जाहिर है फिर बढ़ेगा साथ साथ, है ना। शायद ये सीज को शो करेंगे आईडी, किसको शो कर रहा है हमें? मुझे तो इमेज भी होती तो मुझे तो समझ आ जाता, मुझे तो समझ तो मतलब ब्राउजर कुछ बताना चाह रहा है कि ये हेडिंग है। काफ़ी करीब करीब जवाब दिया उन्होंने। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है ये। असल में इन्होंने ना, मेरे ख्याल में ये इन्होंने SEO की वजह से किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि हमने SEO की वजह से किया, बट SEO जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें जब क्रॉलर आता है ना, किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो वो H1 को की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। H1 को वो रीड करता है, तो अगर यहाँ पर ये डिव लगा देते ना और डिव में इमेज लगाते हैं, तो उस क्रॉलर को पहली बात तो पता ही नहीं चलता कि ये हेडिंग है, वो समझता है कि ये डिव है। अच्छा, डिव को किसी भी तरह ये बताने का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि डिव को हम क्रॉलर को बताएं कि ये डिव हेडिंग है, इसका कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। क्रॉलर H1 को ही देखता है, H1 के टैग को ही देखता है। इवन दो कि आपने अगर CSS में भी दिया हुआ है ना, अगर CSS में भी आपने किया हुआ है ना कि भाई ये डिव है, इसका साइज़ 2 EM है, तो उससे भी क्रॉलर नहीं समझता ये बात, क्रॉलर उसको समझता है कि ये डिव है, ठीक है। क्रॉलर H1 के टैग को ही देख के उसको समझ आता है कि भाई ये हेडिंग है। तो उसने क्या करना था, ये एडवांटेज भी रखना था कि यहाँ पे H1 का टैग रहे, और साथ साथ उसने दिखाना इमेज में था, जो पीछे इसने वो बताया था ना कि कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो आप सिफर करके दे दो या शिफॉन करके दे दो, ठीक है, मतलब इमेज बना के दे दो, तो वो फॉन्ट की लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसने गालबन कोई फॉन्ट था ऐसा जो इसको कहीं मिल नहीं रहा था, तो इसने वो क्या किया, उसका इमेज बना के यहाँ पे लगा दिया उस फॉन्ट का, ठीक है। और यही जो वर्ड है BRIARDS, ब्रायर्ड्स, इसका टेक्स्ट लिखा हुआ भी है इसने, क्योंकि जाहिर है क्रॉलर तो H1 का डॉट इनर HTML उठाएगा कि इसके इनर टेक्स्ट उसका उठाएगा, तो वो जब उठाया तो उसको ये वर्ड लिखा हुआ मिले। उसके अलावा जब स्क्रीन रीडर आए तो स्क्रीन रीडर भी उसको देखे H1 है ये, और H1 के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट उसको पढ़ के सुनाए, लेकिन देखने वाले यूज़र को वो खूबसूरत सी एक इमेज दिखे, समझ रहे हो कहानी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसने ये किया है, ताकि मशीनें जो भी आए ना उसको लगे वो H1 है, लेकिन देखने वाले को इमेज नज़र आए। दोनों इसने एडवांटेज अपने पास रखा है, ठीक है। अगर इसमें इमेज लगा देता तो स्क्रीन रीडर को फिर अल्टरनेट टेक्स्ट पढ़ के सुनाना पड़ता है, और अल्टरनेट टेक्स्ट को वो दूसरी तरह से पढ़ के सुनाता है, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट को स्क्रीन रीडर बताता है कि देयर इज़ एन इमेज एंड इट शोज़, और वो फिर आगे अल्टरनेट का टेक्स्ट बताता है, ठीक है। डिफरेंट स्क्रीन रीडर डिफरेंट अंदाज से बताते हैं कि भाई देयर इज़ एन इमेज शोइंग ब्रायर्ड्स, समझ रहे हो, इस तरह करके बताएगा, वो हेडिंग की तरह उसको नहीं पढ़ेगा। अगर हेडिंग होगी तो उसको इस तरह पढ़ेगा कि ब्रायर्ड्स बाई AF डकेट, और फिर आगे का पूरा पैराग्राफ वो पढ़ना शुरू करेगा, समझ रहे हो। तो इसने इन एडवांटेजेस को बचाने के लिए ये हरकत की है शायद। इमेज नहीं रीड करेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज है, सही है। यहाँ पे आप गौर करें, इसने बैकग्राउंड इमेज लगाया है, IMG के टैग को स्क्रीन रीडर रीड करता है, बैकग्राउंड इमेज को रीड नहीं करता, ना बैकग्राउंड इमेज में अल्टरनेट भी नहीं होता, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड होती है। वो -9000 इंडेंट का मतलब है ना, देखो एक तो इंडेंट देते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव में करने से क्या होता है, वो इधर से उठा के इसको ऐसे इधर धक्का मारेगा, सही है। और माइनस में करने से ना, वो इधर धक्का मारने के बजाय अपोजिट यानी लेफ्ट की तरफ उसको लेके जाएगा टेक्स्ट को, वो लेफ्ट मोस्ट ले गए, 9000 पिक्सल निकाल दिया उन्होंने लेफ्ट, यानी स्क्रीन से बहुत बाहर कर दिया, ठीक है। चाहे जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, ये स्क्रीन के अंदर कभी भी नहीं आएगा, ये बाहर रहेगा स्क्रीन से। हाँ, यही तो बेनिफिट है, ताकि देखने वाले को वो हेडिंग नहीं, ये वो फोटो है, ये फोटो है, देखो ना, बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है।
एच वन का जो एलिमेंट था ना वो डब्बा तो यही है, उस अप्लाई करके देख लेना, बहुत ही ईजी है। टेक्स्ट गायब है, ये टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट अगर होता तो ऐसा होता ना, इस तरह का होता फॉन्ट, है ना, ऐसा होता फॉन्ट। ये फॉन्ट, ये इमेज है, सही है। ये एच वन का जो एलिमेंट था उसके बैकग्राउंड पे ये इमेज लगी हुई है, क्योंकि टेक्स्ट हट गया तो अब सिर्फ बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। टैक्स ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन मसला ये है कि टैक्स नहीं लगाएंगे ना तो SEO का जो एडवांटेज था वो तो गया ना, क्योंकि हाँ नहीं, टैक्स नहीं लगाएंगे तो यही होगा ना, मैं बता तो रहा हूँ कि SEO जब आता है ना तो वो H1 को उठाएगा और इनर HTML उठाता है उसका, H1 का वो इनर टेक्स्ट या इनर HTML उठाता है कि H1 के टैग के दरमियान क्या लिखा हुआ है, वो खाली मिलेगा उसको तो वो उसको फिर लेगा नहीं। नहीं डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले नन भी कर सकता था। अब ये आप लोग बताइएगा सर्च करके कि इंडेंट करने में और डिस्प्ले नन करने में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सर्च कीजिएगा आप लोग कि ये तो डिस्प्ले नन भी कर सकता था वो क्यों नहीं किया इसने, या विजिबिलिटी हिडन भी कर सकता था वो क्यों नहीं किया इसने, ठीक है, इंडेंट ही क्यों किया इसने, है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं SEO का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सवाल अच्छा है, मुझे नहीं पता इसका जवाब, लेकिन ये सवाल है, सर्च करें आप गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि अच्छा भाई देवे ये वैसे तो इंडेंट पढ़ा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए शायद इसने इंडेंट यूज़ किया है, लेकिन विजिबिलिटी हिडन भी इसमें यूज़ की जा सकती थी। तो आया कि कोई फ़र्क है टेक्स्ट इंडेंट में और विजिबिलिटी हिडन में, क्या कोई फ़र्क है, या वैसे ही इसने क्योंकि इंडेंट पढ़ा रहा था इसलिए इसने इंडेंट यूज़ किया, आई एम नॉट श्योर। हाँ दो होता है, हाँ स्पेस भी ख़त्म हो जाता है, दूसरा डिस्प्ले नन भी होता है, एक विजिबिलिटी हिडन है, एक डिस्प्ले नन है जो डॉम से उड़ा देता है पूरा। तो डिस्प्ले नन में शायद वो जब उसको रीड करेगा ना तो वो डॉम पे उसको एलिमेंट ही ना मिले, मे बी, ठीक है, वेल सर्च कीजिएगा इसको, बताइएगा फिर मुझे। अच्छा इसको चला कर देखिएगा, ये बहुत ईजिली चल जाता है, ठीक है, ये एज इट इज़ आप लगाएंगे ना एच वन के ऊपर, ये तीन प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो ये चल जाएगा। अच्छा अब हमारे पास है ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो कुछ इस तरह का दिखता है हमें कि टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे उसका शैडो बन रहा है। अच्छा ड्रॉप शैडो की जो प्रॉपर्टी है ना वो है टेक्स्ट शैडो, ठीक है, ड्रॉप शैडो इसको फोटोशॉप की टर्म में कहते हैं शायद, लेकिन CSS के अंदर इसको टेक्स्ट शैडो कहते हैं। अच्छा टेक्स्ट शैडो में देखो इसने क्या दिया, एक तो टेक्स्ट का कलर दिया है कुछ ना कुछ, उसके बाद टेक्स्ट शैडो में एक दो तीन पिक्सल में तीन वैल्यूज़ दी हैं और चौथे पे एक कलर दिया इसने। अब पहली वैल्यू क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है, ये समझ लो, नहीं रेड ग्रीन ब्लू नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, भाई कहाँ लिखा हुआ है भाई, अच्छा कह रहे हैं कि द फर्स्ट लेंथ इंडिकेट हाउ फार द लेफ्ट और राइट शेडो शुड फॉल, ठीक है, जो पहली पहला पिक्सल में जो उसने वैल्यू दिया है वो कह रहा है कि कितने पिक्सल दूर इसका शेडो आना चाहिए लेफ्ट पे या राइट पे, ठीक है, जाहिर है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके मैं इस तरफ से लाइट मारूंगा तो उसका शेडो लेफ्ट पे बनेगा, और अगर राइट साइड से लाइट मारूंगा तो लेफ्ट साइड से मारूंगा तो शेडो इधर बनेगा, ठीक है, यहाँ से लाइट होगी तो शेडो इधर बनेगा, तो बीच में एक कैपिटल लेटर का ए बना हुआ है तो उसका शेडो इधर गिरता हुआ नजर आए या इधर गिरता हुआ नजर आए, ठीक है, तो पिक्सल में ये उसको मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ जो पहली वैल्यू है, अगर मैंने पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब है कि वो कितना राइट हो, यानी टेक्स्ट कैपिटल ए यहाँ खड़ा हुआ है तो कितना राइट उससे जो है ना आपको शेडो उसका नजर आए, अगर मैंने नेगेटिव में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि कितना लेफ्ट नजर आए, ठीक है, तो पहली वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, तो ये बता रहा है कि भाई लेफ्ट या राइट में कितने दूर फॉल करना चाहिए। सेकंड वैल्यू इंडिकेट्स द डिस्टेंस टू द टॉप और बॉटम ऑफ द शेडो शुड फॉल, अच्छा जाहिर है लाइट अगर मैंने बिल्कुल दरमियान में रखी हुई है, एक तो है ना लेफ्ट और राइट होगी लाइट, सही है, लेकिन लेफ्ट और राइट तो है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से अगर ऊपर है लाइट तो उसका शेडो नीचे बनेगा थोड़ा, अगर लाइट थोड़ी सी नीचे है तो शेडो थोड़ा ऊपर बनेगा, तो जो लेफ्ट राइट की वैल्यू है सेम चीज़ टॉप बॉटम में भी है, ठीक है, तो सेकंड वाली वैल्यू ना टॉप और बॉटम की है,
जो सेकंड वैल्यू आप इसको पास कर रहे हैं कि जो शेडो उसका बने वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर या कितना नीचे बने। अगर मैं पॉजिटिव में दूंगा वैल्यू तो उसका मतलब है कि कितना नीचे कर रहा हूँ मैं उसको, और नेगेटिव में दूंगा तो कितना ऊपर है, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, वो करके देखिएगा आप तो पता चल जाएगा। अच्छा, द थर्ड वैल्यू इज ऑप्शनल, स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ ब्लर दैट शुड बी अप्लाइड टू द ड्रॉप शेडो। अच्छा, आपने अगर ये नोटिस किया हो कि अगर मोमबत्ती जल रही हो या कोई ऐसा सिंगल लाइट सोर्स हो अगर, तो और शेडो काफ़ी शार्प बनता है, जैसे सूरज के सामने जब खड़े होते हैं तो आपका जो शेडो बनता है ज़मीन पे वो काफ़ी शार्प होता है, एजेस उसके बहुत शार्प होते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइट सोर्स हो, मल्टीपल लाइट सोर्स जैसे कि ये ऊपर एलईडी बल्ब जो लगा हुआ है, इसके अंदर एक से ज़्यादा एलईडी है, और क्योंकि इसको डिफ्यूज़ किया हुआ है तो वो डिफ्यूजन की वजह से वो मल्टीपल लाइट सोर्स बन जाता है। तो इस एलईडी से जो शेडो निकल रहा है, अगर यहाँ पे मैं हाथ रखूँ ऐसे, तो ये शेडो उतना शार्प नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अमाउंट ऑफ ब्लर, जो थर्ड वैल्यू आप दे रहे हैं ना, कि आप बता रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लर देना है। अगर आप अमाउंट ऑफ ब्लर देंगे ना जीरो, तो शेडो जो पीछे बन के नज़र आ रहा है वो बिल्कुल शार्प होगा, जैसे सूरज की रोशनी में बिल्कुल शार्प शेडो बनता है। और अगर आप अमाउंट ऑफ ब्लर बढ़ाते जाएंगे तो वो शेडो ब्लर होता जाएगा, जैसे एक एलईडी लाइट से जो शेडो बनता है वो थोड़ा सा ब्लर होता है, ठीक है। अब आप जितना बढ़ाते जाएंगे एक पॉइंट पे आके वो बिल्कुल ही डिफ्यूज़ होकर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल बना के दिखाई है यहाँ पे, फॉन्ट कलर इसने चेंज किया है यहाँ पे, ये देखो ना, इसको कलर कुछ और दिया है, इसको कलर कुछ और दिया है, 1, 2, 3, 4 करके पैराग्राफ बनाया है इसने। सॉरी, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा। नहीं नहीं, कलर तो आप जो फोरग्राउंड कलर होता है वो तो सीधा कलर बताता है, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो फैमिली होती है, जो तीन स्टैक बताते हैं ना, जो वो फॉन्ट फैमिली होती है। इसमें फॉन्ट फैमिली तो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। ब्लैक होगा वो, अगर फॉन्ट कलर हम नहीं लगाएंगे तो वो ब्लैक होगा। मिसाल के तौर पे जो टॉप पे जो लगा हुआ है ये ब्लैक कलर है। यहाँ सवाल इनका अच्छा है, इनका सवाल असल में ये है कि क्या मुझे ड्रॉप शेडो लगाने के लिए फॉन्ट का कलर बताना ज़रूरी है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, ठीक है, कलर बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक। अच्छा, तो आपका फॉन्ट जिस कलर का भी होगा, शेडो में तो कलर अलग से बता रहे हैं ना। अच्छा, हमने ये तीन वैल्यूज़ पढ़ लिए ना, कि तीसरा वाला जो वो अमाउंट ऑफ ब्लर है, चौथा वाला शेडो का कलर है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टेक्स्ट पे कोई कलर अप्लाई नहीं किया हुआ तो टेक्स्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होगा, और इमेजिन करें कि आपने शेडो उसका दे दिया पिंक, तो टेक्स्ट आपका ब्लैक में ही दिखेगा, पीछे शेडो पिंक में दिखेगा। तो शेडो का कलर और टेक्स्ट का कलर, ये दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट शेडो में कलर भी शामिल है। अच्छा, टेक्स्ट शेडो में अगर आप कलर नहीं बताएंगे तो ये भी काइंड ऑफ ब्लैक हो जाएगा, सही है। फोर्थ वैल्यू इज़ कलर ऑफ द ड्रॉप शेडो। तो ये चार वैल्यूज़ हैं, ये हमने देख लिए। अच्छा, इसको हेडिंग्स वगैरह पे आप लगाते हैं, लॉन्ग पैसेजेस में ऑब्वियसली इसको आप नहीं लगाते क्योंकि शेडो आ रहा होगा। इमेजिन करें बड़ा पैराग्राफ हो, शेडो आ रहा हो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जी, कहाँ पे? इसमें यार असल में प्रोजेक्टर में आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली इसमें ड्रॉप शेडो बना हुआ है, ठीक है। इस वाले पे अगर आप नोट करें ना, तो ये टी का जो चोंच है उसके नीचे शेडो आ रहा है, जो देखो इस जगह पे शेडो दिख रहा है, जो कि इस वाले में नहीं है, वो असल में प्रोजेक्टर पे भी है, और ये इमेज भी कुछ ब्लर है, जो बुक में इन्होंने इमेज लगाई है ना, ये ब्लर है। वेल, इसको आप लगा कर देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है, ये लग जाएगी, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास कहते हैं इसको, सही है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ना, वो फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन है। आपने कोई ऐसी सीएसएस है जो पैराग्राफ के पहले लेटर पे या पहली लाइन पे लगाना है, तो आप वो कैसे करके लगाएंगे? आप ऐसे लगाएंगे, इसने बोला पी पैराग्राफ डॉट इंट्रो, यानी वो पैराग्राफ जिस पे डॉट इंट्रो की क्लास लगी हुई है, कोई दूसरे पैराग्राफ नहीं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है मैं डॉट इंट्रो लगाऊं,
सिर्फ पैराग्राफ भी कर सकता था, लेकिन उससे फिर क्या होगा, वो तमाम पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, कॉलन लगाया उसके बाद, और फिर लगाया फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर का फॉन्ट साइज कर दिया 200 या 2EM, तो आप देखें फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसने कहा कि इसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को बोल्ड कर दो, तो आप देखें फर्स्ट लाइन जो क्या हो गई है, बोल्ड हो गई है, सेकंड लाइन बोल्ड नहीं है। इस पेन से भी कर सकते हैं, बट स्टिल ये क्योंकि टेक्स्ट पे अप्लाई होने वाली चीज़ है, अगर आपने किसी ऐसे पेन पे लगा दी इसमें टेक्स्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही टेक्स्ट आएगा उस पर अप्लाई भी हो जाएगा ये, तो ये टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, चाहे आप पैराग्राफ पे लगा रहे हैं या डिव पे लगा रहे हैं या बॉडी पे लगा रहे हैं, तो ये टेक्स्ट पे अप्लाई होने वाली चीज़ है, तो ये ढूंढेगा कि पहला लेटर इसको पूरी डिव में कहीं भी मिला ना उस पर अप्लाई कर देगा ये, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको पैराग्राफ पे लगाएं। ठीक है, टेक्निकली दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज़, दीज आर नोन एज सूडो एलिमेंट। ठीक है, तो ये सूडो एलिमेंट और एक होती है सूडो क्लास, अभी वो आगे सूडो क्लास आ जाएगी, अभी उसको हम देखते हैं कि क्या सीन है फिर उसका। ठीक है, लिंक स्टाइलिंग, सूडो जो आपकी जो एलिमेंट्स है ना वो कुछ और भी हैं, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। मिसाल के तौर पर लिंक है, एंकर टैग जो होता है लिंक होता है, आप जब उस पर क्लिक कर देते हैं तो आमतौर पर वो थोड़ा पर्पल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने उस चीज़ को, उसकी स्टेट्स होती हैं एक्चुअली कि ना लिंक है, विजिटेड है या होवर है या एक्टिव है, अब ये चार चीज़ें, अब इन चारों चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि ये क्या चक्कर है चारों का। दिस अलाउज यू टू सेट द स्टाइल ऑफ लिंक्स यू हैव नॉट बीन विजिटेड। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को हम जब एंकर टैग में रैप करते हैं तो लिंक जब होता है ना तो उसका एक खास कलर होता है कि भाई ये चीज़ लिंक है, वो एक खास ब्लू कलर होता है, आपको देखते ही पता चलता है कि ये लिंक है। ठीक है, तो अगर आपने वो डिफ़ॉल्ट कलरिंग चेंज करनी है किसी भी चीज़ की, तो अगर आप एंकर टैग पर डायरेक्ट कलर लगाएंगे ना वो उस पर अप्लाई नहीं होता, वो कॉलन लिंक करके अप्लाई होता है। अच्छा, इसी तरीके से जब उस पर आप क्लिक करने के लिए उसको दबाते हैं जब, ठीक है, तो वो एक्टिव होता है। वेल, इसने पहले विजिटेड किया, तो विजिटेड का मतलब है कि वो विजिट हो चुका है, थोड़ा पर्पल हो जाता है, ब्लू की जगह पर्पल हो जाता है। ठीक है, दिस अलाउज यू टू सेट द स्टाइल ऑफ लिंक्स दैट हैव बीन क्लिकड ऑन, जो इन पे क्लिक किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद है होवर। होवर आपको पता है कि जब किसी चीज़ पे हाथ लेके जाते हैं तो होता है। अच्छा, लिंक के ऊपर अगर आप हाथ लेके जाते हैं तो क्या होता है, अंडरलाइन बना हुआ जाता है मोस्ट प्रॉब्ली उस पर, और एक हाथ बना हुआ जाता है, पॉइंटर का स्टाइल चेंज हो जाता है, हैंड बना हुआ जाता है। ठीक है, पॉइंटर कहते हैं वैसे उस स्टाइल को, है ना, कर्सर की जगह पॉइंटर बना हुआ जाता है। अच्छा, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हवर करूं तो कुछ और पॉइंटर हो जाए, वेट हो जाए या कुछ और हो जाए, ठीक है, तो वो आप हवर के ज़रिए करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है या एक इमेज है, आप चाहते हैं जब इस पे हाथ लेकर जाऊँ ना मैं तो मेरे कर्सर की जगह फ्लावर बना हुआ जाए, सही है, तो वो होवर से होगा। ठीक है, तो अगर आप, इन्होंने लिंक के ऊपर अप्लाई किया हुआ वैसे कि भाई लिंक के ऊपर अगर कोई होवर करता है तो क्या होगा, दिस अप्लाइज व्हेन अ यूजर होवर ओवर एन एलिमेंट विद पॉइंटिंग डिवाइस सच एज माउस, दिस हैज कॉमनली बीन यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द लिंक्स एंड बटन्स व्हेन यूजर प्लेस देयर कर्सर। ठीक है, बटन पे भी अप्लाई होता है आमतौर पे कि बटन पे जैसे ही आप कर्सर करते हैं ना बटन थोड़ा ग्लो करने लगता है और आप क्लिक के भाई मुझे क्लिक करो, सही है। तो अच्छा, एक्टिव क्या होता है, दिस अप्लाइज व्हेन द एलिमेंट इज बीइंग एक्टिवेटेड, जब आप क्लिक करते हैं किसी बटन पे या किसी लिंक पे तो जब तक आप क्लिक को छोड़ते नहीं है ना वो एक खास उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी रहती है। सॉरी, अभी वो फूल बनाना नहीं सीखा हमने, अभी कर्सर, असल में अभी तो हमने कर्सर का स्टाइल चेंज करना नहीं सीखा ना कि कर्सर चेंज कैसे होता है, लेकिन वो कर सकते हैं। ठीक है, वेल, हवर पे आप कोई भी स्टाइलिंग लगाएं, आपने कहा यार इस डिफ पे मैं हवर करूँ उसका रेड कलर ब्लैक हो जाए, ये कलर रेड हो जाए, ठीक है, इसी तरीके से कर्सर स्टाइल होता है, वो अभी आगे डिस्कस होगा, इसी बुक में डिस्कस होगा। तो आप कहेंगे होवर पे आके कर्सर स्टाइल इक्वल्स टू पॉइंटर, ऐसे कुछ कर सकते हैं आप। अच्छा, एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं ना तो जब तक आप उस क्लिक को छोड़ते नहीं है तो वो एक खास स्टाइलिंग उस पर अप्लाई हुई भी रहती है उस टाइम, दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्टिव, सही है। अगर किसी, कोई बटन मेरे पास यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे कोई बटन हमारे पास है, सो बना हुआ यहाँ पे बना देते हैं ना एक बटन,
अच्छा ये देखो इस पे जब मैं ऐसे क्लिक करके रखता हूँ ना, तो ये तो डबल क्लिक हो गया। जब तक मैं क्लिक करके, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया, देख रहे हो, छोड़ दिया। तो जब तक वो क्लिक हुआ हुआ है उस वक्त तक बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डिम हो रहा है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो डार्क ब्लू हो जाए और छोड़ूँ तो वापस नॉर्मल हो जाए, तो मैं ये काम एक्टिव के ज़रिए करूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा कि बटन और कॉलन एक्टिव और उसका बैकग्राउंड डार्क ब्लू, तो वो सिर्फ एक्टिव होगा जब ही वो दिखेगा, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं ब्लू। फोकस क्या चीज़ है? दिस अप्लाई वेज वेन एलिमेंट इज इन फोकस। कोई बता सकता है फोकस क्या चीज़ होती है? देखो अभी ये बटन है ना, इस पे मैं टैब का बटन दबाऊंगा ना ये फोकस में आ जाएगा, देख रहे हो? या कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसके साथ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना देता हूँ। बल्कि यार वो फॉर्म वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना हमने, वो ओपन कर लेते हैं ना, उसमें सारे इनपुट्स होंगे। यहाँ पे ये सही समझ आएगा। देखो अभी इनमें से ना कोई भी फोकस में नहीं है, ठीक है? देखो मैंने टैब का बटन दबाया तो पहला वाला फोकस में आ गया, फिर टैब दबाया तो अगले पे चला गया, या माउस से भी ये काम कर सकता हूँ मैं। तो ये फोकस पे जैसे ही आता है आप देखो इस पर एक स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है, ब्लू कलर का एक बॉर्डर आ जाता है। मैं चाहता हूँ ये ब्लू कलर का ना आए, पिंक कलर का है मे बी। सही है, कितने लोगों को पिंक पसंद है यहाँ पे? बुक के राइटर को पसंद है पिंक, सही है। पिंक अच्छा कलर होता है वैसे। खैर तो ये फोकस में इसको कहते हैं। अच्छा बटन भी फोकस में आ सकता है। बटन फोकस में कैसे आता है? बटन यहाँ पे बना हुआ है कोई? अच्छा देखो जैसे मैं ये देखो ये फोकस में है इस वक्त, मैं बाहर क्लिक करूँगा ना, अबे फोकस ऐसे हट रहा क्यों नहीं है? सही है, देखो मैंने चेक लगाया ना इस पर, तो चेक लगाने से ये फोकस में नहीं आ रहा। फोकस पे कैसे आएगा? ये टैप दबाने से आएगा, ये फोकस में, देख रहे हो इसको? तो डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स का फोकस, मैंने टैप दबाया देखो ये फोकस में आ गया, फिर टैप दबाया ये एलिमेंट फोकस में आ गया, फिर ये अपलोड का बटन फोकस में आ गया। ठीक है, आपको पता है ना फॉर्म फिल करते हुए माउस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो कभी भी माउस को हाथ नहीं लगाते, तो ये आप टैप सीक्वेंस सेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, फॉर्म में आप टैप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जो एलिमेंट पहले होता है वो टैब सीक्वेंस में पहले आता है, जो बाद में होता है वो बाद में आता है, लेकिन आप उसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी बस ख़त्म करता हूँ। कितने बजे जमाते हैं? 45 पे। अच्छा तो बस चलो हम 5 मिनट में ख़त्म ही करते हैं क्लास। नहीं अभी तो 40 हो रहे हैं वैसे। बाई डिफ़ॉल्ट तो हर एलिमेंट पे बाई डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी है। हमने देखा कि H1 पे भी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी है ना, उसका फॉन्ट साइज 200% हुआ हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट। तो जितने भी हम रैप करते हैं वो असल में रैप करने का मतलब ही यही होता है कि इस पे कुछ खास स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, उसको चेंज कर सकते हैं हम CSS के थ्रू। अप्लाई तो वो हुआ हुआ है थोड़ा बहुत, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो तो हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा अब गौर से ये बात समझो जो मैं बता रहा हूँ। ये सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास का जो जिक्र किया है ना इन्होंने, इन दोनों में डिफरेंस किया है ये भूलना नहीं भाई। सही है, मैं बाद में पूछूंगा किसी टाइम, तो याद होना चाहिए आपको। सूडो एलिमेंट जो होता है ना वो चेंज नहीं होता। सही है, जब एक बार CSS लोड हो गई, मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन, ये स्टेटिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा नहीं। अब ये चेंज कैसे होगा वो भी सुन लो ना। ऑन अदर एंड जो ये हवर है ना, ये हवर है, ये विजिटेड है, जब मैं हवर करूँगा तो ये CSS अप्लाई होगी, अदरवाइज ये गायब हो जाएगी। तो ये एक क्लास है बैकग्राउंड में, अल्टीमेटली एक क्लास है जो वक्ती तौर पे अप्लाई करते हैं फिर हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ये वाले सूडो है ना, इसको हम कहते हैं क्लास। और ऐसे वाले सूडो जो हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब जब पेज लोड होगा तो वैसे ही दिखेंगे और वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कर्सर हवर करने से या क्लिसिस पे क्लिक करने से वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड सूडो एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट और क्लास का फ़र्क पता चल गया। यहाँ पर भी इन्होंने ये बात मेंशन की हुई है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये टर्मिनोलॉजी है, ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे जब आगे आप कोई चीज़ पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है कि यार ये सूडो क्लास के तौर पर, क्योंकि सूडो क्लास आप खुद की भी बना सकते हैं।
सही है। अब वो हम कवर नहीं करेंगे इस क्लास में कि कैसे बनती है, लेकिन सूडो क्लास आप खुद की भी बना सकते हैं, ठीक है। वेल तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मंडे वाले दिन। नहीं, जैसे विजिटेड है ना, वो तो विजिटेड ही रहेगा, वो नहीं चेंज, वो नहीं वापस अनविजिट नहीं होगा, वो नहीं रिफ्रेश करने से नहीं होता, अनविजिट ये होता है वो पूरा, फिर आप ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करते हैं ना, फिर वो अनविजिट होता है। नहीं, पॉइंट मेरा कुछ और था, पॉइंट मेरा ये था कि लिंक पे आपने विजिटेड पे रेड लगाया हुआ है, तो जब पेज लोड होता है तो रेड नहीं दिखता, जब क्लिक करते हैं फिर वो रेड हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ को हम सूडो क्लास कहते हैं, जो वक्ती तौर पे लगती है या हटती है, इसको हम सूडो क्लास कहते हैं। जो एलिमेंट होता है ना उसमें ये चेंज होने वाला कोई एलिमेंट नहीं होता, नहीं हटेगा। विजिटेड वाला तो विजिटेड है ना वो, नहीं, अगर मैं ब्राउजर की हिस्ट्री कैसे क्लियर कर दूं तो वो अनविजिटेड हो जाएगा, वो रेड हट जाएगा, समझ रहे हो। हाँ नहीं, ये वाला विजिटेड वापस से डिफॉल्ट पे नहीं आएगा। हाँ, CSS का विजिटेड जो है ये वापस नहीं आता, ये तो जब वापस आएगा, आप किसी भी वेबसाइट को खोल के कोई लिंक विजिट करके देख लें, वो लिंक विजिट करते ही पर्पल हो जाता है, और वो रिफ्रेश करने से सही नहीं होता, वो पर्पल ही रहता है, ठीक है जी।